नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। खटीमा के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में नालकमत्ता विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान विधायक राणा ने जहां सरकार की तरफ से 2017 से लेकर आज तक नालकमत्ता विधानसभा में सड़कों को लेकर जारी जीओ के संदर्भ में जानकारी ली, तो साथ ही साथ सड़कों के निर्माण कार्यों के भी रिपोर्ट के अधिकारियों से जानकारी ली है। इस दौरान विधायक राणा ने कहा कि अभी तक सरकार से नालकमत्ता विधानसभा में लगभग 50 करोड़ की सड़क निर्माण कार्य पास हो चुके हैं, जिसकी जानकारी को लेकर उन्होंने आज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और गुणवत्ता युक्त काम करने के आदेश दिए हैं। नालकमत्ता विधानसभा की जो पीडब्ल्यूडी विभाग से सड़कों का जो जीव हुआ है उस पर एक समीक्षा बैठक की गई है और 2017 से लेकर आज तक जितने भी जीव हुए हैं उन पर तत्काल कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। और मेरा ये कहना है कि जो भी रोडें बन रही हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, गुणवत्ता के साथ काम मानक के साथ काम हो। चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के शहीद आंदोलनकारी स्मारकों को तोड़ने का विरोध किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्य सरकार का पुतला दहन कर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से ऋषिकेश में राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारकों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे कि धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंच रही है। साथ ही साथ शहीदों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि सरकार की ओर से आंदोलनकारियों के स्मारकों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन करने को बाध्य होगी। प्रदेश सरकार इस राज्य के जो हमारे राज्य आंदोलनकारी शहीद हैं उन शहीदों के स्मारकों को तुड़वा रही है और जिस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और ऋषिकेश में ऐसे ही मामले कई सामने आए हैं जो धार्मिक स्थलों में धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचा रहे हैं और इस राज्य की भावनाओं के साथ खेलने का जो काम भाजपा की सरकार में हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं अल्मोड़ा में भी आज कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर धार्मिक स्थलों व शहीद स्मारकों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार लगातार जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पीताम्बर पांडे ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर ऋषिकेश में कई धार्मिक स्थलों के साथ साथ पहले से स्थापित शहीद स्मारक को भी तोड़ा जा रहा है, जो कि राज्य आंदोलन के शहीदों का सरासर अपमान है। वर्तमान भाजपा की सरकार को चिताने के लिए आज अल्मोड़ा की कांग्रेस समय समय पर पुतला फूंक करके इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को जगाने चिताने का काम कर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है कि ऋषिकेश में धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई धार्मिक स्थलों को और शहीदों के जो शहीद पार्क अमर शहीद स्मारक बने हुए थे उनको तोड़ने का काम वर्तमान सरकार कर रही है, जिससे शहीदों का घोर अपमान करके आंदोलनकारियों का मनोबल को गिराने का काम इस सरकार के द्वारा किया है। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।